मैं हूँ सीमा और आज मैं देखने वाली हूँ जिनका बर्थडे आज है यानी 13th of August। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड्स देखना कंप्लीट करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि बर्थडे फोरकास्ट आपको कैसी लगी और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप जानना चाहते थे, ताकि मैं आप लोगों की और मदद कर सकूँ और डिटेल रीडिंग कर सकूँ। तो जिनका आज जन्म हुआ है उनके लिए ये साल कैसा है, मेरी सारी विशेज उनके साथ हैं, वो बहुत राइज करें, सब कुछ जीवन में उन्हें मिले और कार्ड्स गाइड करेंगे उन्हें क्या करना है। जो अभी 13 को पैदा हुए हैं उनको थोड़े फादर से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, फादर को लेके वो परेशान रहेंगे, अगर बॉस उनके हैं जो कि काफ़ी सीनियर हो सकते हैं उम्र में, उनसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, उनको लेके भी परेशान रह सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फादर को लेके उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मेरे ये कार्ड आता है जनरली तो मुझे ये लगता है कि फादर के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग में भी गड़बड़ी है। आपको समझना ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन आपकी आदत क्या है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ओवरलुक कर देते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करिए, क्योंकि गॉड सेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है। आप थोड़ा सा अपने लाइफ के लेसन्स लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप अटके रहेंगे, थोड़े ऑब्स्टिनेट होंगे, तो उसका कोई मज़ा नहीं है। जीवन में जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी घटना घटती है उससे हमें अवश्य लेसन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इमोशनली महसूस करेंगे अच्छा, अपने इंट्यूशंस को भी सुने, क्योंकि हम केवल अपने लॉजिकल माइंड से जब काम करते हैं तो कई बार हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते हैं, तो ज़रूरी है हम अपने अंदर की आवाज़ भी सुने ताकि हमें सही गाइडेंस मिले। और हो सकता है कि आप अंदर की आवाज़ को बिल्कुल ही बंद करके रखते हैं, अगर कोई आपको गाइड भी करता है तो नहीं करते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को भी स्टेबल रखें, कॉन्फ्लिक्ट में मत जाएं। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, आप उसको बस ग्रैब कर लीजिए, उसके बाद अपने आप काम संभल जाएगा। और जो भी ये टाइम गया, आपको ये लगता है कि मेरी विशेस पूरी नहीं हुई जैसे मैं चाहता था, तो ये साल सबके लिए बहुत मीडियोकर गया है। इसलिए हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो खास सोचने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ विल कम योर वे, जस्ट ग्रैब इट एंड मूव फॉरवर्ड, दिस इज़ व्हाट टैरो इज़ गाइडिंग। और अगर आपको लगता है कि कहीं एनर्जी लेवल लो है, तो मुझे लगता है आपके पास ये सारी पावर्स हैं। अगर ये कार्ड मेरे पास आ जाता है मैजिशियन, तो मेरी सारी शंकाएं ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मैजिशियन यू नो उसके पास सारी पावर्स होती हैं, वो जो चाहे कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। आपके केस में मुझे लगता है थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि जिस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप उसको रोक के रखते हैं। सो व्हेन यू कम्युनिकेट राइटली प्रॉपरली, इफ़ यू पुट योर थिंग्स फॉरवर्ड इन नाइस मैनर, आपकी चीज़ें वैसे ही सुधर जाती हैं। क्योंकि जनरली मैंने देखा है लोगों की प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है कि वो अपनी बात को सही तरह से सामने रख नहीं पाते हैं। तो आपको सिर्फ टैरो गाइड ये कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इम्प्रूव करेंगे, देखिए आपके लिए जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो लाइफ में क्या लेके आता है। थोड़े अपने फादर की हेल्थ के लिए सजग रहिए, ये चिंता का विषय हो सकता है। आपको ये रीडिंग कैसे लगी, कितनी गाइडेंस मिली, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी, मेरा मन करता है उसके डेप्थ में जाने के लिए। आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, यू वॉज थैंक यू।